ഇസ്നേഹസ്ഥനോ ഹോമിലിക്കെ നാഷ്ണ പർതായിരുന്നു മസ്നിച്ചു ആയിരാ ഇരാ ബ്ലഷ് ഇരാ മുക്ഷാലി നുഷ്ടിസ്പസി കൃഷ്ണാലസി ആ കൃഷ്ണാലിരുന്നു മസ്രാ നാഷ്കെ ഏമിഷ്ടി ഇമേക്രഗാ സഹംലാഷി पिताजी, हम लंबे समय से एक साथ समुद्री यात्रा पर नहीं गए, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? आज मैं मछली परिवारों के लिए डूबते जहाजों से आश्रय बनाने जा रहा हूँ मेरी खूबसूरत बेटी। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो मैं लौट कर आने के बाद आपकी मदद कर लूँगी। ये क्या हो रहा है? तुम किससे भाग रहे हो? भागो जलपरी भागो, एक विशाल द्वार हर किसी को अंदर खींच रहा है। इतनी ही गल एक मुंबड़ो आयिल्ष्ण महाई आया पे मर्दु मस्कला लुकली बोक दुखी ना इरा आई ले लेंपने पश्टित पोक आईरा इरा प्लश इन रवा मेरा गेरो आई लुक कनाश्ण आसावड़ा दो इश्ण हो पीने का रोख तो वश्ण आता सावरत ना प्रेम और साव एमी आ रहे नहीं कर दूँ मसावी आऊँ हुई रिश्ता तो हम लोग के नहीं ये सु ये कलिन नेत्रो ये क्राव दे एमी सहरे सी सीत्रो यान ब्लाह नहीं के लुग लुग गे एलिन भाई नहीं रब लश आता उख में आ क्राव दे एमी सहरो आता एक उख ना ब्रवा मुत आखे देश नी पे सही रिश्ता एना इरा बज आता नगलो आल नगनी ना प्रो आखे दो किल्श ने मरात ने श्रीनिक मोनात ने श्ने सुई ने हेर मुख में सिजी प्रो राष्ट्रो। हेलो स्टारफिश, ओह मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। ओ ये काई ये काई राम ये 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 नहीं, मैं तुम्हारे जैसी भाषा नहीं बोलती। छोटी मछलियों, हम एक दूसरे को कैसे समझेंगे? लिटिल मरमेड आर्या ने अपने हाथों का उपयोग करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन झींगा मछली इन हरकतों से डर गई और तुरंत वहां से भाग गई। जैसे ही लिटिल मरमेड ने जमीन की ओर तैरने का फैसला किया, उसने दूर से एक ब्लो फिश देखी। वो जल्दी से तैरकर उनके पास पहुंची और मदद मांगी। कृपया कृपया ब्लो फिश मेरी मदद करे, मैं खो गई हूँ और वापस नहीं जा सकती। इतने भी तुम उसके बार मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी, चिंता मत करो। जब जलपरी आर्या ने ब्लो फिश को अपना हाथ दिया, ब्लो फिश एक पल के लिए घबरा गया और उसने अपना जहरीला पंख फुलाया और उसका पंख नन्ही जलपरी को छू गया। नन्ही जलपरी वो कमजोर होकर गिर पड़ी और आंखें बंद करके पानी के तल में डूब गई। समय बीतता गया। पोसाइडन समुद्री राजा अपनी बेटी आर्या की तलाश कर रहा था, जो घंटों तक राज्य में वापस नहीं लौटी थी। समुद्र की खोज करते रहो। जब नन्ही जलपरी को होश आया तो उसने एक बूढ़ी जेलीफिश के घर में अपनी आंखें खोली। बूढ़ी जेलीफिश आर्या के पास इंतजार कर रही थी। आखिरकार आप होश में आ गई हैं। आह, आखिरकार एक प्राणी जिसके साथ मैं वही भाषा बोल सकती हूँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जेलीफिश ने आर्या को बताया कि वो भी वर्षों पहले गलती से समुद्र के इस किनारे आ गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौट सकी, इसीलिए मैंने यहाँ की भाषा सीखी, लेकिन मेरी शक्ति इस जगह को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं चल पड़ी। ओह, मेरे मन में एक समाधान है, लेकिन हमें पहले रहस्यमय द्वार ढूंढना होगा। जलपरी आर्या और बूढ़ी जेलीफिश एक साथ तैरकर समुद्र के दूर तक पहुंच गई। फिर बूढ़ी जेलीफिश ने जोर से सीटी बजाई।
अचानक बहुत सारे स्क्वीड छात्र उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। जेलीफिश ने उन्हें एक ही समय में अपनी स्याही छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही मछलियों ने स्याही छोड़ी, रहस्यमय द्वार जो पारदर्शी था अचानक दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने बहुत जोर लगाने पर भी गेट नहीं खुला। इसलिए लिटिल मरमेड ने पानी के बुलबुले से एक हथौड़ा बनाया और बड़ी ताकत से गेट पर प्रहार किया। इस प्रकार जैसे ही द्वार खुला, उन्होंने स्वयं को दूसरे महासागर में पाया। साथ में वे समुद्री साम्राज्य में तैर गए। आरिया ने एक एक करके अपने पिता पोसाइडन को बताया कि उसने जो पूरी तरह से अलग दुनिया देखी वो कितनी अशुद्ध और उपेक्षित थी। इसका उपाय सरल और स्पष्ट है। हम जितने जल्दी हो सके उस पानी को साफ करेंगे और हम मछलियों के लिए अच्छा आवास प्रदान करेंगे। साथ में वे उसी स्थान पर गए जहाँ रहस्यमय द्वार था। पोसाइडन ने अपनी छड़ी उठाई और इतनी बड़ी लहरें पैदा की कि रहस्यमय द्वार एक पल के लिए दिखाई दिया और फिर टूट गया। इस प्रकार दो महासागर एक साथ आए, पानी साफ हो गया और समुद्री जीव बहुत खुश हुए। इसी बीच पोसाइडन को ये एहसास हुआ कि मछलियों को एक दूसरे की भाषाएं समझने में कठिनाई हो रही है। एक डूबे हुए जहाज को स्कूल में बदल दिया गया। इस प्रकार सभी मछलियाँ एक दूसरे की भाषा सीखने में सक्षम हो गई। अब तुम मुझे जहर नहीं दोगे छोटे बुलबुले। मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुँचाऊंगा जलपरी, मुझे माफ करो। पोसाइडन द्वारा पानी साफ करने के बाद सभी मछलियों ने इस नई दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हाथ मिलाया, जहां उन्होंने एक दूसरे की भाषाएं सीखी, क्योंकि हर नई भाषा हमेशा एक नई दुनिया के द्वार खोलती है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me. The little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around.